गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ, प्लीज़ ओपन द सेकेंड पार्ट, पेज नंबर 109, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द लास्ट टर्न वी हैड डन। और आज हम पढ़ने जाएंगे मैनुअल लेबर, हाथ से किया हुआ मजदूरी, हाथ से किया काम और भाप की शक्ति से किया काम, भाप से जो काम करा, क्योंकि इसमें स्टीम इंजन का इजाद हो चुका था। न्यू कॉमन ने जो है एक स्टीम इंजन पेटेंट कर दिया था 1781 में, याद है पिछली बार पढ़ाया था 1781 में, जिसका इम्प्रूवमेंट जेम्स वाट ने किया था, जिसको सुधारा जेम्स वाट ने का। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। ब्रिटेन में, रानी विक्टोरिया वाले ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। पुअर पेजेंट्स एंड वैग्रेंट्स, बंजारे गरीब किसान, वो शहरों की तरफ मूव करने लगे बहुत बड़ी संख्या में, काम धाम ढूंढने के लिए, वेटिंग फॉर वर्क कि कहीं काम मिल जाए। एज यू विल नो, आप जैसे अब जानोगे, व्हेन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ लेबर, जब मजदूर बहुत सारे होते हैं तो वेजेज आर लो, तो दिहाड़ी कम होती है। बहुत सारे मजदूर हैं तो मजदूरों की दिहाड़ी कम होगी। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट। तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको मजदूरों की कमी ये प्रॉब्लम तो नहीं था, और ना ही कोई हाई दिहाड़ी देनी है, हाई वेज देने है, उस कॉस्ट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे डिड नॉट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स, वो लोग अभी मशीन को अशर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे। दैट गॉट रेड ऑफ ह्यूमन लेबर, क्यों? क्योंकि अगर मशीन आ गई तो ह्यूमन लेबर ख़त्म हो जाएगी और उसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। मजदूरी लेबर कराने से उससे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर अगर हम मशीन उनकी जगह रखें, मैनुअल लेबर की जगह मशीनें इंस्टॉल करें, तो मशीनों में ख़रीदारी करने बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि महंगी महंगी मशीनें होती। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी सीज़न के अनुसार डिमांड होती थी लेबर की। गैस वर्क्स एंड ब्रिवरीज, गैस का काम, और जहाँ शराब और बियर बनती है ब्रिवरीज का काम, ये तो सर्दियों के या ठंड के महीनों में बराबर चलता रहता था, इसकी डिमांड तब थी लेबर की। सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड, और सर्दियों में शराब की फैक्ट्रियां और गैस की फैक्ट्रियां ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी कि ज़्यादा डिमांड लोगों की होती थी, तो इसलिए वर्कर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होती थी। बुक बाइंडर्स, किताब बाइंड करने वाले प्रिंटर्स, और क्रिसमस के मौके पर जो खाने पीने का सामान केटर करने वाले, उन लोगों को भी दिसंबर के महीने में एक्स्ट्रा हैंड्स मदद चाहिए होती थी, ठीक है, क्योंकि क्रिसमस है, बड़ा काम हो जाता है, यहाँ हेल्प की ज़रूरत होती है। एट दी वाटर फ्रंट, पानी के फ्रंट में अगर देखें, विंटर वाज टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड, पानी के क्षेत्र में देखें तो विंटर ही वो टाइम, सर्दियां ही वो टाइम होता था जब किश्तियों को रिपेयर किया जाता था, साफ सफाया किया जाता था, बनाया जाता था किश्तियों को, शिप्स को, जहाज़ों को। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में जहां का उत्पादन कम बढ़ती या बढ़ती और होता जाता
सीज़न में इंडस्ट्रियल इज़ यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर करते थे मज़दूर, हाथों से ही काम, एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीज़न। उस सीज़न में, विंटर सीज़न में रोज़गार दे देते थे लोगों को, रोज़गार देते थे लोगों को लेबर। ये देख लीजिए, फ़ोटो देखिए, आपको पिक्चर में दिखा रखा, पीपल ऑन इन द सर्च ऑफ वर्क, लोग चल रहे हैं बेचारे काम के लिए। लंदन न्यूज़ 1879, सम पीपल वर ऑलवेज ऑन द मूव सेलिंग स्मॉल गुड्स एंड लुकिंग फॉर टेम्परेरी वर्क। भाई पेट तो भरना ही है ना, छोटी छोटी चीज़ें को बेचते रहना, टेम्परेरी काम लेते रहना, जैसे कि बाल बच्चेदार भूखे ना मरे, बाल बच्चे जो देखो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना। अच्छा, तो बताया था इंडस्ट्रियलिस्ट हैंड लेबर को प्रेफर करते हैं और मज़दूरों को एम्प्लॉय करते हैं इस सीज़न में, खासकर विंटर के। अरेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विन हैंड लेबर, उत्पादन के क्षेत्र में एक रेंज सिर्फ हाथों से ही प्रोड्यूस की जाती, जो मज़दूर हाथों से काम करते थे। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स, और जो मशीनें थी उनको काम में लाया जाता था, जैसे कि यूनिफॉर्म बनाना, और मास मार्केट, पूरी मार्केट के लिए कोई स्टैंडर्ड के गुड्स पैदा करना, गुड्स बनाना। लेकिन डिमांड जो मार्केट में थी इन गुड्स की, वो होती थी बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन हो, बढ़िया से बढ़िया शेपें हों, स्पेसिफिक शेप्स हों इस सामान की, इंट्रिकेट अंदर से बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हों। इन मिड 19th century, 1950 के आसपास, ब्रिटेन फॉर इंस्टेंस, अगर हम सिर्फ ले ब्रिटेन की बात करें, सिर्फ ब्रिटेन 500 वेराइटीज ऑफ हैमर्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 45 काइंड ऑफ एक्सेस। देखो जी, हैमर तो हैमर ही है और कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी ने काटना है पेड़ और हैमर ने ठोकना है नील, पर फिर भी देखो उन लोगों ने 500 किस्म के हैमर और 45 किस्म के कुल्हाड़े बनाए। दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल, नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। ये 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह के जो एक्सेस, ये ह्यूमन स्किल द्वारा ही बनाए गए, आदमियों द्वारा ही, उनके हुनर द्वारा थोक पीट कर बनाए गए, इसमें कोई मशीनों की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इन विक्टोरियन ब्रिटेन, विक्टोरिया के ज़माने का जो ब्रिटेन था, अपर क्लासेस मतलब ऊंची क्लासेस, एरिस्टोक्रेट्स एंड बोर्जियोसेस, बहुत बड़े बड़े लोग, प्रिफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस बाय हैंड, अपर क्लास के जो लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनको हाथ द्वारा बनी चीज़ें अच्छी लगती थी, वो हैंडमेड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। ये जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे, अच्छे रिफाइंड होते थे, प्योर होते थे, और अच्छा क्लास को सिंबलाइज करते थे, अच्छी क्लास को सिंबलाइज करते थे। दे वर बेटर फिनिश्ड, उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, एक एक बंदे के हाथ द्वारा ये फिनिशिंग की जाती थी, प्रोड्यूस किया जाता था और केयरफुली डिज़ाइन बनाए जाते थे। मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनी, और जहाँ कॉलोनीज कॉलोनियल रूल था, वहाँ के लिए मशीनों द्वारा जो बनाए गए गुड्स थे, उन कॉलोनीज को एक्सपोर्ट किए जाते थे। इन कंट्रीज़ विद लेबर शॉर्टेज, जिन कंट्रीज़ में लेबर
की शॉर्टेज होती थी, मजदूरों की शॉर्टेज होती थी, उस समय फिर इंडस्ट्रियलिस्ट कीन हो जाते थे मशीनों की पावर इस्तेमाल करने के लिए, जिससे कि इंसानी लेबर की ज़रूरत कम से कम हो। ठीक है, अगर लेबर नहीं मिलती, उसकी शॉर्टेज है, तो कुछ देशों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने मैकेनिकल पावर यूज़ करने शुरू कर दी और ह्यूमन पावर, ह्यूमन लेबर को कमती कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। दिस वाज द केस इन 19th सेंचुरी अमेरिका। ये 19वीं शताब्दी के अमेरिका की बात है। ब्रिटेन हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड्स, लेकिन ब्रिटेन को किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो मजदूरों को, ह्यूमन लेबर को हायर कर सके। ठीक है, वो लोग ह्यूमन हैंड्स की मदद लेते थे, उसके लिए उनको कोई शॉर्टेज ह्यूमन लेबर की नहीं थी। जो बेटा ये था आज का लेक्चर आपका, नेक्स्ट टाइम लाइफ ऑफ वर्कर्स हम पढ़ेंगे 2.1। तब तक के लिए आप इसको रीड कर लीजिए एक बार फिर, जब सारा पढ़ लेते हैं तो फिर एक हो जाता है कि थोड़ा बहुत हम लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ हैंड लेबर और स्टीम पावर की बात बताई गई है, राइट, कैसे कैसे डिमांड थी, कैसे कैसे ज़रूरत थी, कैसे कैसे उन चीज़ों को पूरा किया गया, कहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल हुआ और कहाँ किन कंट्रीज़ ने लेबर का, ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल किया। ओके चिल्ड्रन, अगेन माय रिक्वेस्ट, मेरी यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पढ़ा है एक टॉपिक, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप साथ साथ ही पढ़िए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। ओके चिल्ड्रन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।